ये लेसन आज का हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस क्लैप से ये क्लैप मैं चाहता हूं आप अपने लिए भी करें क्योंकि ये क्लैप इज फॉर द प्रोग्रेस यू हैव मेड सो फार आपने अभी तक सीखा कि वर्ड कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड बाय नाउ यू शुड हैव योर ओन वर्ड वेबसाइट रेडी सो दिस क्लैप इज फॉर यू दिस क्लैप इज फॉर द प्रोग्रेस यू हैव मेड सो फार अभी तक आपने क्या किया यू लर्न हाउ टू इंस्टॉल वर्ड ऑन जीरो जीरो webhost.com 000webhost.com gives you the opportunity to create a free WordPress website. बिल्कुल वैसे ही जिस तरह मैंने अभी एक WordPress website create की जो कि आपको accessible है on डी जी स्किल्स साद हामिद डॉट जीरो 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 वेब लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें आपको कुछ चीज़ें जो बताना बहुत जरूरी हैं उनमें से एक ये भी है वर्ड प्रेस को आप मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में लेस में आपसे ये जिक्र किया था खास तौर पर जो होस्टिंग वाला एक लेसन था मैंने उसमें आपको बताया था कि यू शुड चूज अ वर्ड प्रेस होस्टिंग विच गिव्स यू ऑप्शन टू इंस्टॉल वर्ड प्रेस थ्रू वन क्लिक डब्ल्यू पी इंस्टॉल इसी तरह डिफरेंट होस्टिंग सर्विसेज और डिफरेंट होस्टिंग वेबसाइट्स विल गिव यू दी ऑप्शन टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन डिफरेंट वे ये आपने डिसाइड करना है ये आपने देखना है कि आप कौन सी वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाह रहे हैं मोस्ट ऑफ देम अलाउ यू टू इंस्टॉल वर्ड प्रेस विद जस्ट वन क्लिक लेकिन अगर आपको कभी मैनुअली भी वर्ड प्रेस इंस्टॉल करना पड़ जाए तो मैं आपके लिए ये पूरा प्रोसेस रिकैप कर देता हूँ और ये रिकैप मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपको वर्ड खुद से इंस्टॉल करना पड़े सो यू आर एबल टू डू दैट बिफोर एक्सेसिंग द लॉग इन स्क्रीन स्टेप नंबर वन प्लीज वर्ड प्रेस डॉट ऑर्ग जाए और वर्ड प्रेस डॉट ऑर्ग जाके डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्ड प्रेस स्टेप नंबर टू अपलोड फाइल टू होस्टिंग सर्वर आप फाइल एफ के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं और आप फाइल सी पैनल के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं एफ टी पी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सी पैनल इज अ सॉफ्टवेयर थ्रू विच यू अपलोड फाइल्स टू योर होस्टिंग साइट इसके बारे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है ये कुछ चीज़ें हैं जो आप साथ साथ और भी सीखेंगे हम आपको इनसे रिलेटेड कुछ लिंक्स भी देंगे बट यू कैन गो ऑन गूगल एंड यू कैन सी बेस्ड ऑन योर होस्टिंग नीड्स कि ये चीज़ें क्या हैं द थर्ड पार्ट इज कि आपने जो वर्ड की एक फाइल एक जिप फोल्डर अपलोड uh, किया है अब आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है एफ टी पी सॉफ्टवेयर पार्ट इज टू क्रिएट अ अस्यूएल डेटा बेस एंड क्रिएटिंग यूजर इन दैट जिस तरह मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि वर्ड प्रेस इज पावर्ड बाई अ डेटा बेस इस डेटा बेस को हम कहते हैं माई एस्ल आपको माइस्क्यूल आना जरूरी नहीं है लेकिन आपको माई स्केल पे एक यूजर या एक डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं मैनुअल इंस्टॉलेशन के लिए यह आप अपनी होस्टिंग पे जाके क्रिएट कर सकते हैं द फिफ्थ स्टेप इज दैट यू विल ओपन द ब्राउजर इन एंड एंटर योर डोमेन नेम और वहां पे आपका एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा वर्ड प्रेस इंस्टॉलेशन का जिसमें वो आपसे आपकी डेटाबेस का नाम पूछेंगे आपसे यूजर पूछेंगे और आपसे पासवर्ड पूछेंगे

इसके वर्ड में डिफरेंट तरीके हैं पीपल गेट कंफ्यूज सो हम चाह रहे हैं कि हम आपको वर्ड प्रेस पर करने के डिफरेंट तरीके बताएं और आपको बताएं कि किस तरह से आप अपनी वर्ड uh, प्रेस का लॉग इन भी कर सकते हैं सो दे आर टेक्निकली थ्री वेज टू डू इट नंबर वन इज कि आपकी साइट का जो डोमेन नेम है उसको आप अपने ब्राउजर में टाइप करें www.yoursite.com और साथ स्लैश करके आप एक यू आर एल टाइप करें डब्ल्यू पी डैश एडमिन ये एक स्टैंडर्ड यू आर एल है जो वर्ड प्रेस आपके लिए क्रिएट करता है सो यू कैन ईजीली लॉग इन टू वर्ड प्रेस विदाउट एनी हैसल इसमें जो डब्ल्यू पी है फॉर वर्ड प्रेस और साथ आपको डैश के आगे जो एडमिन नजर आ रहा है ये इससे सिग्निफाई करता है कि ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटर शुड हैव एक्सेस टू दिस वेबसाइट एंड हु इज दैट एडमिनिस्ट्रेटर

किस तरह से वर्ड से जल्दी से लॉग इन कर लेना द अदर वे इज कि आप अपनी वेबसाइट पे जाएं, अपनी वेबसाइट के होम पेज पे जाएं, स्क्रॉल डाउन करें साइड बार में उस लॉगिन का लिंक ढूंढें और उसको क्लिक करके आप सिंपली अपना यूजर नेम पासवर्ड डालें एंड लॉग इन कर लें तीन तरीके हमने आपको बताए एक तरीका wp admin के थ्रू एक wp login.php के थ्रू और एक डायरेक्टली लिंक को क्लिक करने के थ्रू एक फोर्थ तरीका भी है विच इज एन एडेड बोनस वो ये है कि अगर आपको ई मेल रिसीव हुई है जब आपने वर्ड प्रेस इंस्टॉल किया है, आप उससे लिंक को क्लिक करके भी वर्ड प्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं सो so, कुछ क्वेश्चन जो आपके जेन में हो कैन आई चेंज द लॉग इन लिंक द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर इज यस यू कैन आप प्लगइन्स की मदद से अपना वर्ड का लॉग इन लिंक चेंज भी कर सकते हैं आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पेश होगी आपको कि आप अपना वर्ड का लॉग लिंक चेंज करना चाह रहे हैं इन केस दैट यू वॉन्ट टू मेक योर वेबसाइट मोर सिक्योर अगर आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा सिक्योर करना चाह रहे हैं तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी वर्ड की वेबसाइट का लिंक प्लीज़ चेंज करें वट इफ़ आई फॉगेट द पासवर्ड आप वहां पर लॉस्ट पासवर्ड का लिंक क्लिक करके अपनी लॉग इन और यूजर नेम पासवर्ड को दोबारा रिट्रीव कर सकते हैं अब हम लाइव इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे आप वर्ड में लॉग इन कर सकते हैं सो so अब हम अपनी वेबसाइट खोलेंगे और उस पर लॉग इन करना सीखेंगे उन थ्री स्टेप से जो मैंने अभी आपको सिखाए थे तो so सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो मेरी वेबसाइट का यूआरएल जो मैंने अभी बनाया इट्स डी जी स्किल्स साद हामिद डॉट जीरो 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 वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम इसको मैं खोलूंगा और इसी तरह आपने नोट करना है कि आपकी वेबसाइट का एक अपना यूनिक लिंक या यू होगा। एंड दिस इज वट द वेबसाइट लुक्स लाइक इट्स अ वेरी बेसिक वेबसाइट ऊपर वेबसाइट का नाम है और ये उसका एक फ्रंट इंटरफेस है लेकिन हमने करना है लॉगिन। तो हमने फोकस रखना है कि हाउ वी आर गोइंग टू लॉग इन अगर आप अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल करें तो राइट साइड पे साइड बार में आपको एक मेटा के नाम से कैटेगरी हेडिंग नजर आएगी उसके नीचे आपको लॉग इन का लिंक नजर आएगा सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस लॉग इन लिंक एंड सडनली द लॉग इन स्क्रीन विल पॉप अप अब इस लॉग इन स्क्रीन के बारे में वैसे तो मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको दो और तरीके भी दिखाना चाह रहा हूँ जिससे यू कैन एक्चुअली लॉग इन टू योर वर्ड प्रेस वेबसाइट सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम दोबारा वेबसाइट पर जाए और हम टाइप करें डीजी स्किल्स sadhamid.000webhostapp.com so wp डॉट जीरो तो दिस विल अगेन रीडायरेक्ट टू द स्क्रीन और यही आप wp-login.php लिख के भी कर सकते हैं सो so याद रखिएगा कि ये आपने अपनी वेबसाइट के लिए खुद करना है और इस लिंक को अगर आप सेव करना चाहें तो आप सेव भी कर सकते हैं लॉग इन स्क्रीन के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताना चाहूंगा सो so, सबसे आप पहले आप देखेंगे कि ऊपर एक वर्ड प्रेस का लोगो आपको नजर आ रहा है और कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम ये लोगो चेंज कर सकते हैं आप कर सकते हैं लेकिन उसके लिए भी आपको एक प्लग दरकार होगा एक प्लग यूज करके आप ये लोगो चेंज कर सकेंगे प्लग के बारे में हम आपको आगे डिटेल्स में बताएंगे सो so, यहाँ पे, पे आपका यूजर नेम है और यहाँ पे आपका पासवर्ड है आप चाहें तो अपना यूज़र नेम या ई जिसे जिससे आपने रजिस्टर किया था वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं नीचे आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे आप रिमेंबर मी की ऑप्शन रख सकते हैं और आप इस लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं सो so, मैं आपके सामने लाइव एक लॉगिन करना चाहूँगा अगर मुझे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सही तरह से याद है सो आई राइट एडमिन आपने देखना है कि आपका यूज़र नेम क्या है या क्या था और पासवर्ड सो so अच्छा है कि आप लोगों को मेरा पासवर्ड नजर नहीं आ रहा आप लोगों का भी एक अपना पासवर्ड होगा एंड मैंने क्लिक लॉग इन तो ये लॉग इन हो जाएगा दिस इज कॉल्ड द वर्डप्रेस प्रेस डैशबोर्ड एंड आई कैन जस्ट क्लिक सेव हियर लेकिन मैं आपको थोड़ा दोबारा उस लॉग स्क्रीन पे ले जाना चाह रहा हूं जस्ट टू शो यू सम अदर फीचर्स So, एक यहां पे अब देखें अब आप लॉग आउट करते हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने नजर आएगी वट हैपन्स इफ आई एंटर अ रॉन्ग यूजर आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा स्क्रीन जिटर करेगी और वो आपको लॉग इन करने के लिए नहीं देगी दिस इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म और वहां पे वो एरर भी दे रहा है कि इन वैलिड यूजर नेम Um, इसके अलावा अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाए सो यू कैन क्लिक ऑन लॉस्ट पासवर्ड यू कैन क्लिक द यूजर नेम और एंटर द यूजर नेम एडमिन मैं अपना डालूंगा एंड आई कैन क्लिक गेट न्यू पासवर्ड और यह क्या करेगा कि ये मेरे ई मेल पे इस यूजर नेम को रिसेट करने की एक ऑप्शन भेज देगा मैं ई मेल का लिंक क्लिक करूंगा तो आई कैन सेट असवर्ड सो दिस वॉज बेसिक इंडिकेशन ऑफ हाउ द वर्ड प्रेस लॉग इन स्क्रीन वर्क यू कैन कस्टमाइज दिस होल स्क्रीन फ्रॉम द बैकग्राउंड टू एडिंग लिंक्स हियर टू एडिंग मोर फील्ड हियर यूजिंग प्लग इंस और प्लग इन्स हम आपको आगे सिखाएंगे इस लिंक को प्लीज अपने पास बुक मार्क कर लें ताकि आपको याद रहे कि आपने वर्ड प्रेस पर लॉग इन किस तरह से करना